हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मटकन वाइफ। तो आज हम बनाएंगे व्लॉग, क्योंकि देव गए हैं खेलने और मैं उठी हूँ 10 बजे। अभी बज गई है 12, ठीक है ना। तो वो जो मैंने शूट किया है वो मैं आपको बीच में डाल दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता रही थी कि हम व्लॉग बनाएंगे और मेरी तबीयत वैसे ठीक नहीं है, इसलिए मैं वैसे ही लेट उठी थी। और देव गए खेलने, तो चले गए वो नाइट करके ही, ड्यूटी करके फिर खेलने गए। बताओ, ऐसे इंसान है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग बनाऊं, क्योंकि अभी वो आएंगे, उससे पहले मुझे सारा काम करना है। उनके आने के पहले मुझे सारा काम करना है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाना खाना सब कुछ रेडी रखना है। उनके आने के बाद में कोई काम नहीं होता है, वो मुझे कोई काम नहीं करने देते हैं, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं फटाफट से कर लेती हूँ। और वो आज नहीं है, इसलिए मेरा व्लॉग बनाने का मन भी कर गया। तो मैं आपको बहुत फास्ट फास्ट दिखाऊंगी चीज़ें, क्योंकि ऐसे हम स्लो मोशन में चलेंगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा। तो हम बहुत 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 फास्ट में चलाएंगे, तो मैं आपको वॉइस ओवर कर दूंगी। 10 बजने के बाद में मैं उठी हूँ। उठने के बाद में फिर मैंने चाय बनाई है, चाय बना के मैंने पी ली है और थोड़ी देर मैंने इंस्टाग्राम चलाया है। मतलब जब तक मैं सुबह उठ के चाय लेते टाइम इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर मैं यूट्यूब ना चलाऊँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए मैं आधा घंटा तो कम से कम चाय पीने में लगाती हूँ और आधा घंटा मैं उनको देखने में लगाती हूँ। उसके बाद में फ्रेश व्रेश सब हो गई, उसके बाद में बस अब खाना बनाने की तैयारी है और बस क्या करना है आप पता नहीं। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है मेरी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पता नहीं क्यों ठीक ही नहीं हो रही है। मतलब कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो अभी बस अब हम खाना बना रहे हैं, तो इधर से लाइट का फोक्स पड़ता है। तो ये देखिए, हम मैंने सब्जी बना ली है, जैसे कि मैंने आपको बताया है मैंने सब्जी बना ली है। और ये बाद में शूट कर रही हूँ मैं ये वाली चीज़, तो मैं आपको बता रही हूँ। और ये है हमारा मिट्टी का तवा और ये है आटा लगा लिया है मैंने। हम आटा मतलब बाजरे का और गेहूं का दोनों का मिक्स में बनाते हैं, हम कभी सिंगल आटा यूज़ नहीं करते। आप भी अगर मल्टीग्रेन आटे की जगह आप अगर 2 या 3 आटा मिक्स करोगे ना, तो तब उसकी रोटी अच्छी लगेगी। मल्टीग्रेन आटे की इतनी अच्छी रोटी नहीं लगती है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ तामझाम मिला देते, तो वो पता नहीं टेस्ट ही अजीब सा आता है। लेकिन 2 या 3 आटे आप मिक्स करते हो तो वो बहुत अच्छी बनती है। सब्जी मैंने बना ली है, देखो ये मैंने इसी मिट्टी के इसमें बनाई है। हम मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं, अभी करने लगे हैं क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आगे दिखाऊंगी आपको सारी क्लिप जो मैंने ऐड करी है। तो आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, पूरा व्लॉग देखना है। और चैनल पर नहीं पहली बार आए हैं या जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी आवाज़ पता नहीं ऐसी क्यों हो रही है, जो भी वर्ड्स वो दब रहे हैं। तो ठीक है, मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सुबह उठकर मैंने जो जो काम किया वो मैं आपको सारा व्लॉग में बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड दिखाऊंगी। ये मैं भी सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, मैं लहसुन छील रही हूँ। सब्जी मैंने रात को ही चोंट ली थी, यानी कि मैंने गंवार की फली चोंट ली थी। तो बस वो चोंटने के बाद में आपको इतना काम नहीं रहता है, फिर आप उसको बॉईल करो, आपको डायरेक्ट छौंकना होता है। हम ऐसे ही बनाते हैं बिल्कुल देसी तरीके से। आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर कमेंट में करना कि आप गंवार की फली की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। मैंने लहसुन छीला और मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं साथ साथ बर्तन साफ़ करती रहती हूँ, तो जो भी किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है मुझे उस पर कचरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसको साथ के साथ ही क्लीन करती रहती हूँ। ये मेरी आदत है बहुत गंदी वाली। तो बस अभी हम बनाएंगे मिट्टी के बर्तन में खाना, मतलब सब्जी, क्योंकि हमको इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत मॉडर्न तरीके में आ गए हो तो आप लोग अपनी देसी लाइफ भूल जाओ, बिल्कुल नहीं। आप लोग जो लोग पहले से अपन ऐसा करते हैं, यानी कि जब हम बचपन से ही ऐसे खाए हैं इसे मिट्टी के बर्तन में, तो उसका टेस्ट बहुत अलग आता है, हमको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ बहुत मुश्किल था पुणे में ढूंढना, लेकिन एक दिन मेरे को दिख गया, उधर हम साईं बाबा के मंदिर जाते हैं शेरगांव, वहाँ पे मिल गया। तो मैंने ये ले लिया तवा एंड मिट्टी का, ये जो भी आप इसको बोलो, हम तो पहले उसको वो डेगची बोलते थे वो अलग आती थी, अभी तो ये मतलब एकदम कढ़ाई के रूप में ऐसा आता है बर्तन चौड़ा सा, तो ये बहुत अच्छा है। इसका ढक्कन साथ में आया था, तो अब मैं इसके साथ में मिर्ची और लहसुन कूटूंगी, उसके बाद में मैं इसी के अंदर ही मैं सारे मसाले मिला देती हूँ जो भी सब्जी में डालते हैं, फिर उसके अच्छे से ग्रेवी पकाते हैं जब तक ऑयल नहीं छोड़ देता। तो इस तरह से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, मतलब सबका तरीका बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट तरीके से सब लोग अपनी सब्ज़ी बनाते हैं। मैं भी अपने तरीके से बनाती हूँ, जैसा मुझे अच्छा लगता है और जैसा मुझे खाने का टेस्ट पसंद है, देव को पसंद है, और जो मैं खाना अच्छा ही बनाती हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है सब लोग खाते हैं। तो मैं ऐसे गंदा खाना नहीं बनाती बिल्कुल भी, और मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट भी आता है, सब्जी बनाने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन रोटी सेकने में मुझे बहुत ज़ोर आता है। मुझे यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छी रोटी देव बनाते हैं, देव बहुत अच्छी रोटी बनाते हैं।
मैं मतलब चपाती बनाने के मामले में बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, मुझे बहुत ज़ोर आता है। तो यहाँ पे मसाले ख़त्म हो गए थे मसाला दानी में, तो मैं नमक वगैरह सब कुछ जो एक्स्ट्रा रखे रहते हैं हमारे मसाले, उनमें से मैं इस मसाला दानी में डालूंगी। अभी मैं नमक डाल रही हूँ जो कि आपको आप लोग देख ही रहे हो। तो बस सारे मसाले डालूंगी जो भी मसाला दानी में ख़त्म हो गए हैं, मिर्ची, नमक, धनिया। जो मोस्टली तो इसमें धनिया ख़त्म हो गया था, 2 दिन से मैं सोच रही थी कि इसमें धनिया डालना है, धनिया डालना है। मैं 2 दिन से मतलब नहीं डालने के चक्कर में ही मैं बस बिना ऐसे हरे धनिए के मैं ऐसे वो बना रही थी, पिसा हुआ धनिया जो होता है, सॉरी हरा धनिया नहीं, पिसा हुआ धनिया होता है, उसके मैं ऐसे सब्ज़ी बना रही थी। लेकिन मैंने सोचा आज तो मैं डाल ही देती हूँ, क्योंकि फली की सब्ज़ी में धनिया मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डालती हूँ, जो नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं उससे मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस ये सारे मसाले डाल के अब मैं करूँगी तड़का, मैं सब्जी में तड़का मारूंगी। ये देखो हींग, हींग मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं जिसमें मैं हींग नहीं डालती, हींग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है मुझे। जब तक हींग दिखाई नहीं देती ना, मतलब ऐसे जीरे या राई के साथ में तड़का मारते, तब मुझे तो ऐसा लगता है यार सब्जी में कुछ टेस्ट ही नहीं आया। मतलब एक ऐसा होता है कि आपको टेस्ट आए या नहीं आए, लेकिन आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हो। जब उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं तो वो चीज़ अपन को चाहिए चाहिए होती है। तो ये मैंने मार दिया तड़का। अब मैंने जो लहसुन और जो वो लहसुन और मिर्ची जो कोट इसमें कूटे थे मसाला, जो उसी में मैंने हल्दी, नमक, मिर्च सब डाल के, धनिया वगैरह सब डाल के मैंने इसमें ऑयल में छोड़ दिया पानी डाल के। अब मैं इसको बहुत अच्छे से पकाऊंगी। अच्छा खासा पानी डालती हूँ मैं, मतलब एक आधा गिलास या 1 गिलास से अप्रोक्स मैं इसमें पानी डालती हूँ, फिर मैं इसको अच्छे से पकाती हूँ। जो तो हम 2 लोग हैं, तो फिर भी मैं सब्ज़ी में बहुत अच्छा सा टाइम देती हूँ ताकि सब्ज़ी बहुत अच्छी बने। अब मैंने इसको ढक दिया है ग्रेवी को, वो बनती रहेगी जब तक मैं आटा लगा रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने आटा छाना ही नहीं ऐसे डाल दिया, बट ऐसा नहीं है। मैं आटा जब भी पिस के आता है तभी मैं सारा आटा छान लेती हूँ, उसके बाद में मैं स्टोर कर देती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि मैं डेली छानने बैठती हूँ, नहीं, मुझे उस चीज़ में ज़्यादा जोर आता है, यानी कि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, इससे फटाफट से आपका काम हो जाता है। तो अभी यहाँ पे बाजरे का आटा ख़त्म हो गया है, थोड़ा बहुत रहा है, तो अब मुझे बाजरे ला के साफ़ करके वापस पिसवाना पड़ेगा, फिर छान के वापस डालना पड़ेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम सिंगल आटे की रोटी नहीं खाते हैं जैसे गेहूँ की, हम बाजरा और मतलब गेहूँ का आटा दोनों मिक्स करके बनाते हैं। मतलब बाजरे का जो अमाउंट होता है वो थोड़ा सा कम रखते हैं गेहूं के आटे से, तो वो अच्छे से बिल जाती है बेलन से या उसमें, ऐसे अपन ज़्यादा बाजरे का आटा होता है तो गेहूं का कम होता है, तो फिर वो थोड़ा बिलने में दिक्कत करता है। लेकिन ये रोटी बहुत टेस्टी लगती है, इसकी चपाती। यहाँ मेरी ग्रेवी रेडी हो रही है तो मैं उसका वेट कर रही हूँ, साथ साथ में सारे काम करती रहती हूँ। ये नहीं कि हाँ मैं सब्ज़ी पकने का वेट कर रही हूँ, और सारे लोग शायद ऐसे ही करते हैं जो किचन में हाउस वाइफ है, जो सब लोग फटाफट जो काम करते हैं सब ऐसे ही काम करते हैं। बट मैं क्या करती हूँ ना कि साफ़ सफाई का थोड़ा ऐसा रखती हूँ कि बस ठीक है, फटाफट से साथ साथ करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक साथ इस पूरा प्लेटफॉर्म किचन का बाद में साफ़ करना है, नहीं, ये मेरी आदत नहीं है, स्टार्टिंग से ही नहीं है, जब मैं मेरे पीयर में थी तब से ही नहीं है, तो फिर अब तो वैसे ही नहीं है। तो बस अभी ये हो गई है, और आपको अगर मेरी वॉइस अजीब सी लगे तो प्लीज़ आप इग्नोर करना, क्योंकि मेरी अभी मतलब कोल्ड की वजह से थोड़ी ना वॉइस ऐसे ही हो रखी है। अब बस वो सारा मैंने आटा लगा के रख दिया है, सब्जी पक रही है, ग्रेवी पक रही है, तब तक मैं मशीन में कपड़े डाल दूंगी। ये हमारे नॉर्मल कपड़े हैं, इतना इनको रगड़ने की या धोने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन देव के जो वाइट कपड़े होते हैं ना, उनको तो मुझे वापस सर्फ में डाल के रखना पड़ता है, फिर उनको उसकी कोनी वगैरह जो होती है मतलब बाजू वगैरह और कोलर वगैरह वो अलग से रगड़नी पड़ती है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप जब वाइट कपड़े धोते हो तो आप मतलब जो ज़्यादा ही ऐसे हो जाते हैं, देव तुम बहुत गंदे करके लाते हैं उनके कपड़े, क्योंकि यार हो ही जाते हैं पूरी नाइट काम करना, फिर उनकी मतलब पूरे 12 घंटे की ड्यूटी करना, तो थोड़ा बहुत रहता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप वॉशिंग मशीन में जब वाइट कपड़े धोते हो तो आप कैसे यूज़ करते हो, क्या कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करते हो। मैं एरियल करती हूँ, आप लोग जो बेस्ट हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं फटाफट से ये सारा काम कर लूँगी, जब तक मेरी किचन का सारा काम हो रहा है, मतलब आटा लगा के रख दिया है, सब्जी पक रही है, तो मैं जब तक मैं यहाँ जो बाहर हम बैठते हैं, सोते हैं, जो सब कुछ करते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदेवाड़ा मचाते हैं हम लोग, तो अभी देर तो नहीं है, तो मैं फटाफट से सारा काम कर लूँगी। अब मैं झाड़ू लगाऊँगी, झाड़ू लगाने से पहले मैंने बिस्तर समेटे हैं, बेडशीट वगैरह सही करी है, अब मैं झाड़ू लगाऊँगी। और अब मैं झाड़ू लगाते लगाते मैं सोच रही हूँ कि देव नहीं आएंगे, उससे पहले मेरा काम नहीं हुआ,
या मतलब सॉरी देव आ जाएंगे उससे पहले मेरा काम नहीं हुआ ना तो बहुत वो हो जाएगा, क्योंकि उनके आने के बाद काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बहुत फटाफट फटाफट काम कर रही हूँ और आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी ना ऐसी तबीयत बहुत डाउन सी हो रही है। मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा। ये मैं जो काम कर रही हूँ ना वो मैं बहुत मुश्किल से कर रही हूँ। आप लोगों को व्लॉग में ऐसा लगेगा कि यार कितना फटाफट मतलब सारा काम तो कर ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सारे कामों में बहुत एफर्ट्स लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है। और आप जो ये 20 मिनट का या 25 मिनट का या 10 मिनट का 15 मिनट का व्लॉग देखते हो ना गाइस, ये इतना छोटा व्लॉग नहीं होता है। जब हम लोग इसको शूट करते हैं ना तो मतलब ये 4 से 5 घंटे भी पहुँच जाता है। तब 4 से 5 घंटे में से आपको इसमें से 20 मिनट का दिखाना या 15 मिनट का दिखाना ये बहुत बड़ा टास्क होता है। मतलब ऐसे ही व्लॉगिंग नहीं होती, व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है सारा सब कुछ। तो बस ये झाड़ू लगाने के बाद में मैं अब रोटी सेक रही हूँ। आप लोगों को सब कुछ दिख रहा होगा, ये मेरी सब्जी भी बन रही है। इधर देखिए मैंने फली डाल दी थी बीच में, आपसे बात करने लग गई। तो ये फली डालने के बाद में बस थोड़ा सा और इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि जो आपकी जो ग्रेवी है जो बनाई है आपके लहसुन वगैरह वो इसमें अच्छे से नहीं आ जाते सब्जी के अंदर। तो बस इसको बंद करके बिल्कुल सिम में मैं तो कम से कम 10 मिनट रखूँगी। 10 मिनट के बाद में मैं इसको बंद कर दूँगी क्योंकि मैंने फली पहले से बॉईल कर ली थी नमक के पानी में। आप कभी भी फली की सब्जी बनाओ तो उसको बॉईल करो तो उसमें नमक ज़रूर डालना, उससे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, क्रंची टाइप में आता है, अच्छा अच्छा सा आता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और आप विदाउट नमक के बनाओगे तो आपको उसका बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो बस अभी ये मैं करके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बार बर्तन साफ़ करती हूँ। तो मैंने आपको जैसा बताया कि मैं सारा काम एक साथ करती रहती हूँ, मैं सब कुछ बीच में नहीं छोड़ती हूँ, मुझे बर्तन भी साथ में ही धुलते हुए रहने चाहिए। तो इधर सब्जी पक रही है और मैंने आटा लगा के छोड़ दिया है। और आटे को भी आप ऐसे नहीं कि आटा लगाने के बाद में आप डायरेक्ट बनाने लग जाओ, नहीं, आटे को भी आप कम से कम 10 मिनट का टाइम दीजिए ताकि वो पानी अच्छे से एब्जॉर्व करे आटा और अच्छी सी रोटी बने, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और जिसमें दो आटे मिक्स हैं इसलिए आप इसको थोड़ा सा 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए आटा लगा के। और मैं ज़्यादा पतले आटे की रोटी नहीं बना सकती, मैं थोड़ा सा टाइट ही आटा रखती हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। फिर जो जितना थोड़ा सा टाइट होता है वो जब मैं बनाने लगती हूँ 10 मिनट के बाद में तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है उसके अंदर पानी, और वो बहुत अच्छे से बिल जाती है और बहुत अच्छी बनती भी है। हालाँकि मुझे रोटी इतनी अच्छी बनानी नहीं आती है, ठीक है बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि बनानी बिल्कुल नहीं आती, बनाना ही पड़ता है, ऑब्वियसली बात है, शादी हो गई ससुराल में बनाती हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा अच्छी रोटी देव बनाते हैं, बहुत अच्छी रोटी बनाते हैं। और जो आटा मतलब हम जो यूज़ कर रहे हैं गेहूं का और बाजरे का, इसमें ज़्यादा रोटी फूलती नहीं है, जैसे कि फूल के आएगी नहीं। बाजरे की रोटी दोनों का आटा मिक्स करते हो तो वो थोड़ा कम फूलती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। मतलब तो आज ही बिल्कुल एकदम देसी खाना हो गया, गवार की फली आपने ऐसे बनाई है कि बस जो देसी होती है। और बड़ी बड़ी हम बिल्कुल छोटी छोटी सी भी ऐसे गवार की फली नहीं तोड़ते हैं कि बिल्कुल छोटी जैसे जेनी लोग बनाते हैं वैसे बिल्कुल नहीं। हम मतलब एक फली के दो टुकड़े करते हैं तो हम बड़ी बनाते हैं, और रोटी हम ठीक ठाक बनाते हैं, ज़्यादा पतली भी नहीं बनाते और ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाते, वो मीडियम बनाते हैं। तो बस अब मैं रोटी सेक रही हूँ, फटाफट इन पे घी लगा दूँगी। वैसे तो मुझे घी खाना नहीं चाहिए लेकिन अब क्या करें, कोई बात नहीं, वैसे मैं खाती भी नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है घी, लेकिन जब देव के साथ खाते हैं तो फिर वो मानते नहीं हैं, उनके साथ खाना पड़ता है। तो अभी तो मैं चाहती तो मैं इसको छोड़ सकती थी कि मुझे नहीं खाना क्योंकि अभी तो कफ़ हो रखा है और कोल्ड हो रखा है, तो मैं छोड़ देती, लेकिन मेरे माइंड से ही निकल गया उस टाइम छोड़ना। तो बस मैंने सारी रोटी सेक ली है, अब मैं वापस प्लेटफॉर्म को पूरा साफ़ करूँगी, अब मैं गैस की सफ़ाई करूँगी और प्लेटफॉर्म साफ़ करूँगी, जो भी डब्बे वगैरह हैं उन पर एक्स्ट्रा जो भी चीज़ लगी है उनको क्लीन करूँगी। ये मेरा डेली का रूटीन रहता है, ऐसा नहीं कि मैं हफ्ते में एक बार कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता है मेरे साथ में, ये गलत मतलब बहुत गलत आदत है मेरी या अच्छी आदत है आप लोग बताना, पता नहीं क्यों मैं मतलब मैं सफाई का बहुत ज़्यादा कीड़ा हूँ किचन में, खासकर किचन और लेट बाथ, ये मुझे बहुत ज़्यादा क्लीन चाहिए होते हैं। बाकी जगह मैं थोड़ा बहुत टॉयलेट कर लूँ लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे बहुत क्लीन चाहिए होती हैं, तो मैं साथ के साथ ही सब कुछ करती रहती हूँ। अभी मैं प्लेटफॉर्म की सफाई कर रही हूँ, आप देख रहे हो, और मैं प्लेटफॉर्म की सफाई ऐसा नहीं कि मैं एक ही बार करके छोड़ देती हूँ, आपको व्लॉग में ऐसा लगेगा कि मतलब मैंने इतनी सी देर में इतना सा काम कर लिया, लेकिन मैं 3 से 4 बार मैं प्लेटफॉर्म की सफाई करती हूँ किचन की, पता नहीं क्या आदत है, और गैस की भी साथ में, तो मैं इतनी बार साफ़ करती हूँ।
तो अब बस वो साफ़ कर रही हूँ मैं, आप लोग देख ही रहे हैं। और मैं मेरे माइंड में ये भी चल रहा है कि देव अब तक भी नहीं आए। मतलब ऐसा लगता है ना कि मैं सारा काम ख़त्म हो जाए ना उसके बाद वो आना चाहिए, तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है अभी। तो मैं सोच रही हूँ कि अब उनको आ जाना चाहिए, तो वो आए नहीं है। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब मैं मशीन में से कपड़े निकाल रही हूँ। मैं उनको बीच में फ़ोन किया था तो उनका फ़ोन आया था तो उन्होंने पूछा था कि क्या हुआ, जग गए कि नहीं जग गए। मतलब 10 बजे बंदा फ़ोन करके पूछ रहा है कि जगह हैं या नहीं जगह हैं। बट कोई नहीं, वो हमेशा ऐसे करते हैं, वो मेरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। बस आते हैं ना जब वो परेशान करते हैं, जब उनको ऐसा लगता है कि पूरी नींद होनी चाहिए इसकी, नींद के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही हूँ, आप देख ही रही हो जो सूखे हुए कपड़े थे, मैं उनको हटाऊँगी पहले यहाँ से, उसके बाद में मैं सारे गीले कपड़े हैं वो डालूँगी इधर धूप में। बहुत तेज़ धूप हो रही है अभी, और अभी पुणे में थोड़ा मौसम ऐसा है ना कि थोड़ी गर्मी है। मतलब ऐसा है ना कि आपको सुबह 9 बजे तक आपको सर्दी हल्की हल्की ठंड महसूस होगी, लेकिन 9 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको ऐसे गर्मी लगेगी, और बाद में वापस से ठंडा मौसम हो जाएगा, ऐसा मौसम हो रखा है। तो बस बाकी कुछ नहीं, बस उनका आने का वेट हो रहा है, मैं अपना काम ख़त्म करने की तैयारी कर रही हूँ। उनको आने के बाद में पता नहीं शूट हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं है, क्योंकि वो बहुत थके हारे आएंगे खेल के आएंगे तो, और आते उनको खाना चाहिए होता है। तो देखते हैं, कोशिश करूँगी कि मैं उनको कर लूँ शूट, वैसे कुछ कह नहीं सकती। और वैसे मैं खुद मतलब ऐसे हो रही हूँ ना आज की, क्या ही बताऊँ, मैं बहुत थकान हो रही है, बहुत ऐसे बीमार सी हो रही हूँ मैं, बहुत ऐसे मतलब बहुत वीकनेस आ रही है ऐसा लग रहा है। कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, सारा काम ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती मेरे से मार पीट के करवा रहे हैं लोग, ऐसा लग रहा है। तो अभी मैं कपड़े रखूँगी अब अलमीरा में जो कि बाहर फैले हुए थे, मैंने सोचा ये काम भी कर ही देते हैं, 2 दिन से ये काम भी पड़ा था, मैंने सोचा ये काम भी कर देते हैं अब जब वो नहीं है। तो मैंने अभी देव के कपड़े रखे हैं, मैं अपने कपड़े अपने कबड़ में रखूँगी, उनके कपड़े उनके कबड़ में रखूँगी, सारा सब कुछ कपड़े एडजस्ट करेंगे। तो मतलब व्लॉगिंग करना ना बहुत मुश्किल लगता है मुझे गाइस, बहुत मुश्किल लगता है मुझे व्लॉगिंग करना, मतलब डेली व्लॉगिंग करना इतना मुश्किल होता है। लेकिन एक होता है ना कि बाद में आप किसी चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हो तो आपको वो चीज़ ज़्यादा खुशी लगती है, खुशी देती है सॉरी। जैसे कि मैं मतलब कहीं बाहर जाती हूँ ना, जब तक मैं व्लॉग शूट नहीं करूँ ना तो मुझे वो चेहरे पर मेरी स्माइल ही नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं क्या मिस कर रही हूँ। बस फिर मुझे लगता है कि यार मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए, और मैं पहले से ही अपना माइंड सेट करके रखती हूँ कि मुझे व्लॉगिंग करनी है। और जब मैं पहले से माइंड सेट में नहीं रहता कि मुझे व्लॉगिंग करनी, तब मेरा व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं होता, फिर तो मुझे कोई कितना ही बोलो मुझसे वो व्लॉग शूट नहीं होता है। लेकिन अब ऐसी आदत हो गई ना कि बस मुझे घर पे रहते ना तब कुछ समझ में नहीं आता कि क्या व्लॉग बनाए डेली का, क्या ही व्लॉग बनाए। मतलब कुछ ऐसा थोड़ा स्पेशल हो, कहीं बाहर हो घूमने जा रहे हो तब तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो ये मैं सारी अपनी कबड़ कर रही हूँ, और मैंने हाथों में कुछ भी पहना हुआ नहीं था, मैं बार बार खोल देती हूँ। और जो मैं मोस्टली मुझे कांच की चूड़ी बहुत पसंद है, तो मैं कांच की चूड़ी पहनती हूँ ना तो देव इतनी छेड़ करते हैं, मतलब उनको लड़ाई दंगा ऐसे करते हैं ना लोग, जैसे हाथ पैर ज़्यादा चलते हैं जिनके, वो वैसा काम करते हैं। तो मेरी मोस्टली चूड़ी है ना उनसे लड़ाई करने में चलनी ख़राब हो जाती है, सॉरी टूट जाती है। ये देखो नवाब सो गए हैं, हमने खाना वाना खाया और फिर ये सो गए हैं। तो गाइस पता है क्या हुआ, आज मैं भूल गई कि मैं व्लॉग बना रही थी, ठीक है ना। तो मुझे देव आए थे ना तब मुझे शूट करना चाहिए था, बट मैं तो बिल्कुल ही, मेरा तो दिमाग से निकल गया कि मैं व्लॉग बना रही थी। तो बस देव के आने के बाद में ना बस यही चीज़ ख़राब होती है कि कोई भी काम मैं करना चाहती हूँ ना वो मैं कर नहीं पाती, बस उनके अकॉर्डिंग ही करना होता है सब कुछ। तो जब देव आए तब मैं भूल गई वापस, और फिर वो सो गए, हम खाना वाना खाए फिर हम वो सो गए। और जब वो सोए तो मैं थोड़ा सा शूट करके उनके मतलब सोते हुए की लेके आप देखोगे पीछे क्लिप में, तो उसके बाद में मतलब थोड़ी देर बाद में मैं सो गई, मतलब ऐसा हुआ है। और मुझे लग रहा था कि आज इंडिया का मैच है तो मैं मैच देखूंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए अभी मैच चल रहा है इधर, तो अभी देव चले गए हैं, वो उठ के चले गए। और जब वो गए ना तब मैं सो रही थी, मतलब इतना वो हुआ ना कि जब उनको शूट करने का टाइम था तब वो सो गए, और जब मुझे शूट करना था हम दोनों को तब मैं सो गई। तो वो उठकर चले गए हैं, हमको पता ही नहीं चला आज दिन का। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना गाइस, मैंने देखो फ़ोन करके बोला, लेकिन अब क्या कर सकते हैं बताओ। भूल गए तो भूल गए, निकल गया सोने में ही निकल गया सारा दिन।
और वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मतलब इतना मतलब हो रहा है ना कि बस टेबलेट लेने के बाद मेरे को इतनी भयंकर नींद आ गई, बहुत भयंकर वाली नींद आई। ये नैनपिन कितनी अच्छी लगी है यार। तो बस यार गाइस सब कुछ नहीं कर सकते, दे तो गए बाहर उनके कोई दोस्तों के साथ में, तो बस अब यही है, मैं मैच देख रही हूँ। अभी मैं इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ। प्लीज आप लोग को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।